हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अराउत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी स्टूडेंट जो बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने लोगों ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, आप दोनों स्टूडेंट मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट एंड बिहार स्टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जितने भी स्टूडेंट हैं आप सबके एग्ज़ाम लगभग अब करीब में हैं। बिहार वालों का तो लगभग फॉर्म फिलअप अभी हो रहा है एंड आप सबके जो एग्ज़ाम है वो 1 मार्च से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 2 महीने अब आपके पास टोटल बचा है बिहार स्टेट के लिए। एंड देन मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम डिले होते 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 मतलब आपका काफ़ी टाइम हो गया। आपकी तो वैकेंसी लगभग जुलाई वुलाई में लगभग आ गई थी, लेकिन अभी देखिए आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो गया है, 25 फरवरी आपका एग्ज़ाम का डेट है। और आप दोनों लोगों का सिलेबस बहुत ही लंबा चौड़ा है, मतलब 10 यूनिट आपके MP टैक्सेशन में आपका 10 यूनिट है। 10 यूनिट में बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट जैसे मिला के ही पूछा जा रहा है आपसे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका हो गया, ऑडिटिंग है, बिजनेस लॉ, इनकम टैक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, और सभी में 5, 5, 6, 6, 10, 10 चैप्टर आपके हैं। सिलेबस बहुत लेंदी है। ऐसे ही बिहार स्टेट वालों का है, आप सभी लोगों के भी 8 यूनिट टोटल 8 सब्जेक्ट आपके हैं, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। आप सबको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन। जैसे 2 महीने में तो आप पूरी बुक पढ़ नहीं पाएंगे, थ्योरी 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 नहीं कवर कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ही आपके लिए बेटर है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों की, दोनों लोगों की कंबाइंड क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। आज ये पहला वीडियो है और ये एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप सभी को बता रखा है, आप सभी के कोर्सेज लॉन्च हो गए हैं। 2 जनवरी से आप सभी की क्लासेज स्टार्ट होने वाली हैं। आप सभी लोग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोर्स में आपको 3000+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। थियरी रहेगा आपका, न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सभी MCQ फॉर्मेट में रहेगा, डिटेल में रहेगा, सारी प्रिपरेशन आपको कराई जाएंगी और चैप्टर वाइज आपका रहेगा, ठीक है। जैसा आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज आप सभी को MCQ सेक्शन पूरा कवर कराया जाएगा। मोर देन 3000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपके एग्ज़ाम आते आते पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप सभी स्टूडेंट जितने भी MP टैक्सेशन के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार स्टेट के हैं, आप सभी लोगों को अगर प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बूस्ट करना है, तो जल्दी से जल्दी आप कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। मिनिमम फीस के साथ आपको सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर। ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन भी आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। डाउनलोड करके, रजिस्टर करके, लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। एवरी वीक आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा आप सभी स्टूडेंट को, ओके। या चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। ये सभी क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ओके। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीड करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए ये कॉमर्स के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ लेंदी होते हैं, कुछ वन लाइनर होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल जो रहते हैं वो भी लेंदी रहते हैं, वो भी कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं, बहुत ईजी रहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराए हैं ये हमारे से अकाउंटेंट जो पूरा कोर्स चला हुआ है, अच्छे से चला हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आए हैं, डिटेल में मैंने कराया है, तो उसी बेस पे आप सबकी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक खाता में क्रेडिट शेष है, मतलब व्हाट इज़ द क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आपका क्या होता है? तो सबसे पहला टर्म आपका यही बनता है कि यार ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में डाउट होगा। अब जो लोग कॉमर्स नियर फ्यूचर में करके बैठे हैं उन्हें तो मालूम होगा, और जो लोग काफ़ी साल हो गए कॉमर्स किए हुए, छोड़े हुए, ग्रेजुएशन किए, भूल चुके होंगे। तो देखिए डेबिट बैलेंस एक आपका एक टर्म होता है, एक आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्या बैलेंस आपका, टू टर्म्स आपके क्या होते हैं, एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है डेबिट बैलेंस, एक आपका होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट क्रेडिट बैलेंस कब होता है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हाँ, लेफ्ट साइड आपका क्या होता है, डेबिट साइड होता है, एंड लेफ्ट साइड आपका क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। किसी भी लेजर में लेफ्ट साइड आपका डेबिट साइड होता है एंड राइट साइड आपका क्रेडिट साइड होता है, ओके।
देखिए क्रेडिट बैलेंस कब होगा, जब क्रेडिट साइड का सम हम करेंगे एंड डेबिट साइड का सम करेंगे। तो क्रेडिट साइड का जब सम मोर देन होगा किससे, डेबिट साइड के बैलेंस से, मतलब इधर का बैलेंस ज़्यादा होगा किससे, डेबिट साइड के बैलेंस से। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस बी डी लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो ये आपका क्या होता है, ये क्रेडिट बैलेंस आपका होता है, ठीक है। और डेबिट बैलेंस कब होता है, डेबिट बैलेंस जब डेबिट साइड का सम क्रेडिट साइड से ज़्यादा होता है, मतलब अब इधर का ज़्यादा होगा इससे, क्रेडिट साइड से। तो हम इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी, इधर लिखते हैं ना, इधर लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी यहाँ पे लिखेंगे, बाई बैलेंस बी डी कब लिखेंगे, जब डेबिट बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा। डाउट क्लियर है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा तो आपका क्रेडिट बैलेंस, डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा तो डेबिट बैलेंस आपका होता है। अब ये सो क्या करता है, ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे बैंक खाता की बात कर रहा है, बैंक पासबुक का, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए बैंक पासबुक, अगर आप पैसा जमा करते हैं या आपको कोई पैसा देता है, तो बैंक वाला क्या एंट्री करता है आपके पासबुक में, क्या एंट्री करता है, बाई क्रेडिट वो एंट्री करता है, भाई बाई क्रेडिट ये, बाई क्रेडिट वो, कोई भी पैसा देगा। अगर मान लीजिए राम आपको पैसा दे रहा है, जिसका पैसा मतलब आपका कस्टमर है, तो उसने पैसा दिया तो भाई राम यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। आपने पैसा सेफ जमा किया, कैश के थ्रू जमा किया तो भाई कैश, चेक के थ्रू जमा किया भाई चेक, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री करेगा। मतलब सीधी सी बात है, आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो क्रेडिट साइड शो करता है, ओके, क्रेडिट साइड शो करता है। और जब आप पैसा निकालते हैं बैंक से, तो बैंक वाला तुरंत मैसेज क्या भेजता है आपके मोबाइल पे, डेबिट का बैलेंस आता है ना, डेबिट डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, और जमा करने पे क्रेडिट का मैसेज देता है। तो जब भी आप पैसा निकालेंगे तो टू यहाँ पे आपका पूरा रहेगा, कैश निकाल रहे हैं टू कैश, चेक के थ्रू निकाल रहे हैं टू चेक, ठीक है, या किस कोई मतलब आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपका यहाँ पे डेबिट साइड में एंट्री होता है आपके बैंक पासबुक में। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि क्रेडिट सेस है, क्या है आपका क्रेडिट सेट्स, आपका एक एसेट्स होता है, मतलब प्रॉपर्टी होती है, ऑब्लिगेशन मतलब आपके लाइबिलिटी होती है, आपका एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, या आपकी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी आकस्मिक दायित्व आपका होता है। तो क्रेडिट बैलेंस आपका होगा क्या, मतलब आपको पैसा मिल रहा है, पैसा आपके मतलब कस्टमर आपको दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी क्या हो रही है, आपका एसेट्स बढ़ रहा है। भाई पैसा क्या है, आपका करंट एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ेगा तो मतलब आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मतलब आपका एसेट्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट बैलेंस ये वाला ज़्यादा होगा डेबिट बैलेंस से, मतलब आप पैसा निकाल ही नहीं रहे हैं और आप अपने अकाउंट में पैसा जमा किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा तो आपके पास पैसा है, और पैसा है तो मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, समझ में आ गया आपको। या बैंक खाता क्रेडिट सेस का मतलब होता है कि आपके खाते में बची हुई धनराशि जो आपके पास उपयोग के लिए उपलब्ध है, ओके, इसे आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने, अपने एक्सपेंसेस को मतलब पूरा करने के लिए, अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए, चुकाने के लिए, अपनी आकस्मिक दायित्व के मामले में आप इसको यूज़ कर सकते हैं सभी पैसे को। अच्छा, ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, देखिए ये यहाँ पे आ गया है, ये फोर्थ वाले ऑप्शन में, मतलब लायबिलिटी आपको मालूम होगी, लायबिलिटी मतलब आपका दायित्व, आपका एक्सपेंसेस होता है जिसको आपको पे करना है। लायबिलिटी भी आपकी दो तरीके की होती है, एक करंट लायबिलिटी होती है, एक फिक्स लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी जो आपको नियर फ्यूचर में किसी को एक साल के अंदर जिससे भी आपने पैसा लिया हो आपको पे करना है उसको। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी क्या होती है, जैसे बैंक से आपने 10 लाख का लोन ले लिया 10 साल के लिए, तो आपको 10 साल तक बैंक को पे करना है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, ठीक है। एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं जो नॉर्मली हमेशा लगे रहते हैं, ठीक है, ये आपके खर्चे होते हैं। एंड देन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ये होता है जो बिना बताए आपके सामने आ जाता है, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है लेकिन अचानक ये खर्चा आपके सामने आ जाता है। जैसे आप कंपनी में अपने गए, अपनी फैक्ट्री में अचानक मशीन ख़राब हो गया, अब मशीन ख़राब हो गया अचानक हुआ, नहीं मालूम आपको, ठीक है, अचानक खराब, अब मशीन के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा, पैसे उसे इकट्ठा करने पड़ेंगे। या आप गए, रॉ मटेरियल पूरा ख़राब हो गया, रॉ मटेरियल ख़राब हो गया आपकी कंपनी का, तो रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, ठीक है। या मशीन जिससे चलती है ऑयल वगैरह वो ख़त्म हो गया, मतलब अचानक जो एक्सपेंसेज आ जाता है वो आपकी करंट लायबिलिटी होती है, ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड बुक्स मेक अ रिकॉर्ड ऑफ, रिटर्न आउटवर्ड आपका क्या होता है, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड बुक आपका क्या होता है, ये क्या रिकॉर्ड करता है। देखिए रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, जैसे एक होता है रिटर्न इनवर्ड होता है, एक आपका होता है रिटर्न आउटवर्ड होता है। और रिटर्न मतलब आपको सभी मालूम है कि वापस करना, आउटवर्ड इनवर्ड में डिफरेंस है, ठीक है। आउटवर्ड में क्या होता है, आप माल खरीद रहे हैं किसी से भी, गुड्स आपने ख़रीदा है आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आप उस माल को उस सप्लायर को वापस कर दे रहे हैं, मतलब आउटवर्ड बाहर की तरफ भेज दे रहे हैं।
आपने खरीदा था, ठीक है। एंड देन इनवर्ड क्या होता है, आपने माल सेल किया हुआ था, अब वो कस्टमर को आपका माल पसंद नहीं है, आपका गुड्स समझ में उसे नहीं आया, आपने जो गुड्स उसे सेल किया था, तो वो आपको माल वापस कर देगा। तो ये होता है रिटर्न इनवर्ड आपका होता है, ठीक है। तो रिटर्न आउटवर्ड आपका क्या होता है, ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड्स रिटर्नड टू सप्लायर, हम अपने सप्लायर को माल वापस कर देंगे, भेज देंगे, भाई किसी कारणवश नहीं बिक पाया, ठीक है, किसी कारणवश नहीं मिल बिक पाया हमारा सामान, तो हम क्या करेंगे भाई, उसे रखेंगे थोड़ी ना, उसे हम अपने सप्लायर को वापस कर देंगे। तो ये होता है रिटर्न आउटवर्ड आपका, ओके। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुड्स रिटर्नड टू सप्लायर, ओके। या देखिए यहाँ पे ये सब नहीं होगा, देखिए ये तो आपका नहीं होगा, जब गुड्स रिटर्न टू कस्टमर, कस्टमर को हम माल वापस लौटाएंगे, ये नहीं होगा, ठीक है। गुड्स रिटर्न टू प्रोप्राइटर, माल मालिक को वापस लौटाया, नहीं, माल मालिक को वापस लौटाया मतलब ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। मालिक, जो मालिक है माल का, उसको वापस लौटाया नहीं, तब ये रिटर्न इन्वर्ड हो जाएगा, गुड्स रिटर्न टू नंबर ये होगा ही नहीं, मतलब गुड्स सप्लायर को हमने वापस कर दिया जिससे हमने ख़रीदा हुआ था, ओके। यहाँ देखिए रिटर्न इन्वर्ड बुक का मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होता है, मतलब उन वस्तुओं और वस्तुओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिन्हें कोई व्यवसाय, ठीक है, जिन्हें कोई व्यवसायी या व्यवसाय अपने आपूर्तिकर्ता या विक्रेताओं को लौटाता है, ओके। या उन वस्तुओं पर नज़र रखने में मदद करता है जिन कारणों से आपूर्तिकर्ताओं को भेजा जा रहा है, उसमें मतलब गुड्स में डिफेक्ट आ जाता है, कुछ दोष आ जाता है, ठीक है, इसलिए ये सब वापस किया जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। और ऐसे पुस्तक का लेन देन स्पष्ट लेखा जोखा बनाए रखने में मदद करती है, व्यवसाय के लेखांकन इन्वेंट्री प्रणाली में हिस्सा है। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड होने पे क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हमें पहले आप ये बताइए भाई। माल अगर हमने ख़रीदा है, किसी सप्लायर से हमने गुड्स ख़रीदा था, तो हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है, लेकिन नहीं समझ में आया या गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो गया, कुछ ख़राब निकल गया माल, हमने वापस कर दिया, तो गुड्स अगर जाएगा तो मतलब क्या, एसेट्स आपका डिक्रीज होगा, एसेट्स क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन हाँ, एसेट डिक्रीज होगा तो आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी। भाई किसी सप्लायर से आपने उधार माल लिया था, अब आपको समझ में नहीं आ रहा, वापस कर रहे हैं, तो एसेट्स भी आपका डिक्रीज होगा, लाइबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बना बना के इधर उधर से क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। या यहाँ पे बात करते हैं फंड आपका क्या होता है, व्हाट इज़ द फंड मीन, फंड आपका होता क्या है, फंड आपका करंट एसेट्स होता है, करंट लाइबिलिटी, वर्किंग कैपिटल, या नन ऑफ दीज आपका होता है। तो फंड आपका क्या होता है, सबसे पहले फंड के बारे में जानिए क्या होता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो क्या होता है, आपको फंड की जरूरत पड़ती है, फंडिंग करानी पड़ती है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्लान आप डिसाइड करने जा रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फंड आपका क्या होता है, ये आपकी एसेट्स होती है, ठीक है, या अदर वर्ड्स में हम कहें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका करंट एसेट्स आपका होगा, ठीक है। फंड आपका करंट एसेट्स होता है, फंड लाइबिलिटी आपकी होती नहीं है, यहीं से कट हो गया। वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल मतलब डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं जिस मनी को, वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे डेली बेसिस में आपकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, या आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ खर्चे लगे रहते हैं, डेली बेसिस पे आपको करने पड़ते हैं, तो वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे रॉ मटेरियल पर डे कम हो जा रहा है, पर डे खत्म हो जा रहा है, माल का प्रोडक्शन हो रहा है, डेली खत्म है, तो वहाँ जिस मनी का आप यूज़ करेंगे वो वर्किंग कैपिटल होता है, बार बार आप खर्च करते हैं। अब फंड क्या होता है, फंड एक बार लगाया जाता है, एक बार फंडिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं करना पड़ता है, तो ये आपका करंट एसेट्स में काउंट होता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फंड के बारे में जानिए, फंड जनरली रिफर टू मॉनेटरी रिसोर्सेज और मनी, ये एक आपका मौद्रिक संसाधन या धन को संदर्भित करता है, कौन, फंड, जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब दैट इज अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और यूज, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इट कैन इंक्लूड, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, आपके एसेट्स आ सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कुछ भी, ये आपका करंट एसेट्स भी हम कह सकते हैं। भाई लैंड कुछ लोग क्या करते हैं, रहने के पर्पस से यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको अपना मतलब बिजनेस बना लेते हैं, ठीक है, बार बार उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, ज़मीन को, तो वो उनके लिए तो करंट एसेट्स ही होगा, ठीक है। कैश आपका करंट एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट आपका करंट एसेट्स है, कभी भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको आप आज जमा कर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल से वो अर्निंग आपको देना चालू कर देगा, ठीक है।
अर्निंग, या आप कई बहुत सारे बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा 5 महीने के, सॉरी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, बहुत बार आप पैसा जमा करते हैं और समय मिलने पे एक अच्छा ब्याज आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है करंट असेट्स से आपका, ठीक है। एनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज सपोर्ट एक्टिविटी और प्रोजेक्ट और एक्सपेंसेस, ये आपके करंट असेट्स होते हैं। इन फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में अगर हम कहें तो फंड्स कैन आल्सो रिफर टू म्यूचुअल फंड्स, आपका म्यूचुअल फंड से देखिए यहाँ पे आपका करंट एसेट्स आपका शो करेगा, ठीक है। निवेश फंड आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड अदर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स और निवेश वालों को संदर्भित करते हैं जहाँ कई निवेशक अपना पैसा सामूहिक रूप से लगाते हैं, ये अलग बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपका करंट मतलब फंड आपका क्या होता है, एक आपका करंट एसेट्स होता है, ओके। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज फॉर ए पार्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड, मतलब विशेष वस्तु के लिए दो पक्षों के बीच लेन देन को हम क्या कहते हैं, ठीक है। विशेष वस्तु के लिए, किसी स्पेसिफिक हम कहेंगे पार्टिकुलर थिंग्स के लिए, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है दो पार्टी में तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉनेटरी इवेंट कहेंगे, नॉन मॉनेटरी इवेंट कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे या इवेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है रुपए पैसों को लेकर, किसी चीज़ के ट्रांजैक्शन को कहा जा रहा है, लेन देन को कहा जा रहा है, ठीक है, डीलिंग डील किया जा रहा है टू पार्टीज़ के बीच में, तो ये आपका ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपका होगा, लेन देन आपका होगा, यहाँ सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब तक पैसे का नाम नहीं ले रहा है तब तक हम उसे क्या टर्म्स यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन। दो पार्टी के बीच में अगर किसी चीज़ की डीलिंग हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ट्रांजैक्शन आपके दो तरीके के होंगे, एक मॉनेटरी होगा, एक नॉन मॉनेटरी आपका होगा, ठीक है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में क्या होगा, कैश आपका होगा, कैश पैसे देकर कोई सामान खरीदता है। नॉन मॉनेटरी क्या होता है, मतलब जिसमें रुपये पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज़ के एवज में आप दूसरी चीज़ उसको दे दीजिए, तो ये नॉन मॉनेटरी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ बिजनेस, एक बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है एंड ए सेकंड आउटसाइड पार्टी आर कॉल्ड, एक व्यवसाय और दूसरी बाहरी पार्टी से जुड़े लेन देन को क्या कहते हैं, ठीक है। एक व्यवसाय और दूसरी बाहरी पार्टी, दूसरी बाहरी पार्टी मतलब बहुत सारे सप्लायर हैं आपके या बहुत सारे आपके डेटर्स हैं, आपके कस्टमर हैं, तो उसके बीच लेन देन को हम क्या कहते हैं, तो ये बाहरी लेन देन हम कहते हैं, बाहरी लेन देन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन हम कहेंगे, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाहरी पार्टियों को सेल किया जाएगा तो वो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आपका होगा। जैसे होता है क्या, जैसे यूपी का सामान यूपी के ही डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरीके से सेलिंग किया जा रहा है, यहीं के बिजनेसमैन को ही पूरा सेल किया जा रहा है, तो इंटरनल ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन क्या यूपी से बाहर मतलब एमपी राजस्थान ठीक है कर्नाटका मुंबई में सेल किया जाए तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगा, ओके। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लायबिलिटी और एसेट्स आपका दे रखा है, लायबिलिटी आपकी दे रखी है, लायबिलिटी मतलब देनदारियाँ, आपको नियर फ्यूचर में पैसा किसी को पे करना है, और आपका एसेट्स दे रखा है, ये आपकी संपत्ति है 78,000 है, 50,000 लायबिलिटी, 78,000 आपका क्या होगा एसेट्स आपका हो गया, और दोनों का डिफरेंस आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप लास्ट 11 से ही आप एक फार्मूला पढ़ते आए, कैपिटल इज इक्वल टू आपका क्या होता है, जितना आपके पास एसेट्स है और जितनी आपकी लायबिलिटी है दोनों को माइनस कर दीजिए, उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होता है, कैपिटल आपका होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये आपका फार्मूला होता है। ये मैंने पढ़ा रखा है आप सभी को, जो लोग EMRS अकाउंटेंट का कोर्स लिए हुए हैं, जो लोग ऑडिटर का कोर्स लिए हुए हैं, सभी को मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, ये नॉर्मली आपको भी मालूम होगा, दोनों का डिफरेंट कैपिटल होता है। तो एसेट्स कितना दे रखा है, 78,000 दे रखा है, कितना 78,000। आपका लायबिलिटी कितना दे रखा है, 50,000 आपका दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है 50,000। या और दोनों का डिफरेंस आपका कितना होगा, 28,000 आपका आएगा, और ये 28,000 आपका क्या होगा, 28,000 आपका कैपिटल होगा, क्या होगा कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल आपका 28,000 होगा, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका कैपिटल होगा, मतलब डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, जितने न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ, थियरी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, डेली बेसिस पे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बूस्ट करना है, ठीक है, तो मेहनत कीजिए। कॉमर्स कहता है कि आप हमें पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, क्योंकि आप सभी लोग मैथ, रीजनिंग, GS, GK, करंट अफेयर, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश,
ये सभी आप लोग साल भर पूरा पढ़ते हैं, लेकिन कॉमर्स का पढ़ते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है तभी आप पढ़ते हैं। कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट फिसल जाते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि अरे यार सब भूल गया था, ये है वो है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया। कहीं से आता नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी आप ही की बुक से आता है, कोई बड़ा नहीं है, कॉमर्स सबसे ईजी है, लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तब आपको आएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग कोर्स से ज्वाइन हो जाइए। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर असर्टेन इट बाई प्रिपेयरिंग, मतलब वर्ष के दौरान ठीक है ऋण खरीद की तैयारी करके इसे सुनिश्चित किया जाता है। क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे खरीदा गया है। ठीक है, उधार पे अगर हम कोई पूरे साल अगर हम किसी चीज़ को उधार पे खरीदते हैं तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपने उधार खरीदा है तो वो आपका क्या है, आपका लाइबिलिटी ही तो शो करेगा। अगर आपने माल कहीं से उधार लिया हुआ है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, एसेट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि माल आ रहा है और माल आप खरीद रहे हो उधार में खरीद रहे हैं, तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, दोनों हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो आप किसको तैयार करेंगे, बुक्स में किसको शो करेंगे, कुल लेनदारों का खाता आप बनाएंगे, इसका लेजर तो आप बनाएंगे ही। ठीक है, टोटल क्रेडिटर्स लेजर आप बनाएंगे, क्योंकि डेटर से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप उधार माल आप खरीद रहे हैं, सेल नहीं कर रहे हैं। अगर उधार सेल करते तो वहाँ आप कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पर आप टोटल डेटर्स अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं। और कैश अकाउंट, कैश तो हम बनाएंगे ही नहीं कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे उधार पे माल खरीदा जा रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल डेटर्स का, सॉरी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का अकाउंट को हम प्रिपेयर करेंगे, कुल लेनदारों का खाता हम तैयार करेंगे, क्योंकि माल उधार पे खरीदा जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट इज प्रिपेयर, ये प्रिपेयर्ड आपका किया जाता है टू प्रिपेयर फॉर लोन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में हमने कितना मतलब लोन लिया हुआ है, लोन मतलब उधार पे कितना माल हमने खरीदा है। और ये कैसे मालूम चलेगा, जब टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को आप प्रिपेयर करेंगे। दिस अकाउंट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन लोन परचेज, इस अकाउंट में पूरा मेंशन रहता है कि आपने कितना उधार पे माल खरीदा है, इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स नेम, सभी क्रेडिटर्स के नेम होते हैं, रिटेल नंबर्स होते हैं, परचेज किस डेट्स मतलब परचेज डेट्स किस डेट में आपने माल खरीदा हुआ है, गुड्स खरीदा हुआ है उधार पे, एंड डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑन लोन अवेलेबल, पूरा अमाउंट डिटेल में पूरा रहता है, कितना रुपए का माल आपने उधार पे खरीदा है, ये सारे डेटास रहते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो यहाँ पे आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंट दैट आर मेंटेन्स अंडर अ सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब एकल प्रविष्टि प्रणाली के तहत किन खातों को हम मेंटेन करते हैं, किन अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम, अभी तो डबल एंट्री सिस्टम चल रहा है, डेबिट और क्रेडिट चल रहा है। ठीक है, एक साइड डेबिट होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, कोई भी अगर आप जनरल तैयार कर रहे हैं, लेजर तैयार कर रहे हैं, ठीक है ट्रायल बैलेंस तैयार कर रहा है, कोई भी चीज़, तो लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट आपका, तो डबल एंट्री सिस्टम इंडिया में चल ही रहा है। लेकिन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो किन किन अकाउंट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, तो आज से नहीं, जब डबल अकाउंटिंग सिस्टम आपका 407 उससे पहले ही, ठीक है उसके बाद तो आ गया था आपका क्या 407 में लगभग डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन उससे पहले आपका सिंगल एंट्री सिस्टम चलता था। तो ये एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल मतलब रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सभी अकाउंट को प्रिपेयर किया जा सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम से। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल एक्सीड ओपनिंग कैपिटल, दिस मीन जब आपका क्लोजिंग कैपिटल आपका एक्सीड हो जाता है ओपनिंग कैपिटल से, तो आपका क्या होता है, आपको क्या होगा जब आपका क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज़्यादा हो जाता है, आपको प्रॉफिट होगा या प्रॉफिट होगा लेकिन कोई भी कैपिटल का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, पूंजी का परिचय न होने पर या प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, या लॉस होगा आपका, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ पे समझिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल क्या होता है। ओपनिंग कैपिटल मतलब आपने शुरुआत में कितने रुपये लगाकर, आपने पूंजी लगाकर अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, साल भर में आपने जितना भी सेलिंग किया आपके हाथ में कितना पैसा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने ज़्यादा सेल किया हुआ, आपके पास शुरुआती अगर आपके पास 10,000 रुपये था, 10,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और अब आपके पास सेलिंग वेलिंग के बाद आपके पास 20,000 रुपये है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही तो होगा,
मतलब ओपनिंग कैपिटल से आपका क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल आपका जब एक्सीड होगा ओपनिंग कैपिटल से तो आपको प्रॉफिट होगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओपनिंग कैपिटल इज ज़ीरो, अगर आपका ओपनिंग कैपिटल क्या है ज़ीरो है एंड क्लोजिंग कैपिटल आपका 5000 है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो मैंने अभी इससे पहले ही क्वेश्चन आपको फार्मूला मैंने बताया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने, जब आपका क्लोजिंग कैपिटल ठीक है सीसी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से आपका ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। अब 5000 क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल आपकी ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा आपके पास, 5000 आपका रहेगा, जीरो में से लेस होगा तो मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड पैसियोली प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। पैसियोली ने दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 1494 को लुकास पैसियोली जो इटली के थे, इटली के वेनिस वेनिस शहर के रहने वाले थे, इन्होंने ही डबल अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ किया, डबल एंट्री सिस्टम को इन्होंने यूज़ किया, 1494 में यूज़ किया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम मतलब बही खाता पद्धति में दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का मतलब क्या होता है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का मतलब हम दो लेखे करते हैं, दो अकाउंटिंग करते हैं, एक हम डेबिट का करते हैं एक क्रेडिट का करते हैं। बहुत बार डेबिट जगह हमारा मतलब एक्सपेंसेस होते हैं और बहुत बार इनकम भी हमारी होते हैं, जैसे कैश बुक में डबल डेबिट साइड हमारी इनकम होती है, क्रेडिट साइड हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन बैंक पासबुक में डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एंड मतलब खर्चे होते हैं या हम जितना पैसा निकाल रहे हैं, और क्रेडिट साइड हमारी इनकम होती है मतलब हमें पैसा मिल रहा है कहीं से, तो ये भी होता है। तो मतलब कहने का मतलब है डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंट्री इन अ टू सेट्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, दो तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट को हम तैयार करते हैं, ठीक है, दो तरीके के। भाई जाहिर सी बात है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने किसे तैयार किया, श्याम से मैंने, ठीक है, 10000 का सामान हमने ख़रीदा श्याम से, ठीक है, 10000 का श्याम से हमने सामान ख़रीदा, तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी मैंने ख़रीदा है, तो ये आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमने ख़रीदा है, परचेज का लेजर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, परचेज का भी एक लेजर बनेगा और एक हमारा कैश का लेजर बनेगा क्योंकि हम किससे ख़रीद रहे हैं, कैश के थ्रू ही तो ख़रीद रहे हैं। तो परचेज अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे, पहला आपका अकाउंट बन रहा है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। और हम कैसे ख़रीद रहे हैं, भाई टू कैश हम ख़रीद रहे हैं, पैसा देकर ख़रीद रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारे यहाँ पे दो अकाउंट हमारे प्रिपेयर हो रहे हैं, एक परचेज का और एक कैश का, और यही आपका डबल एंट्री सिस्टम है, मतलब दो अकाउंट आपका प्रिपेयर होगा। जैसे अगर हम बी को सामान बेच रहे हैं, सामान अगर हम बी को बेच रहे हैं तो हमारा एंट्री क्या होगा, अगर हम सामान बी को बेच रहे हैं तो बी के अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बी एज ए पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है, पानी वाले अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और हम बेच रहे हैं तो कौन सा हम अकाउंट ओपन करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करेंगे, टू सेल्स अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। ये आपकी दो अकाउंट्स आपके बनेंगे, एक बी के नाम का अकाउंट बनेगा जिसको हम माल सेल कर रहे हैं, और सेल्स अकाउंट बनेगा। तो यही होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एंट्री इन टू सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, या एंट्री ऑफ टू फोल्ड्स एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन के दो गुना पहलुओं के लिए प्रविष्टि। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं, देखिए इन्हीं दोनों में मैच कर रहा है आंसर। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन में ए वाला हम देखते हैं, ठीक है, लेखा पुस्तकों के दो सेटों में प्रविष्टि, दो सेट में प्रविष्टि होगी, और एक आपका है लेन देन के दो गुना पहलू के लिए प्रविष्टि, मतलब टू फोल्ड्स एस्पेक्ट, ये आपका काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, मतलब टू फोल्ड्स मतलब टू अकाउंट आपके ओपन होंगे, ठीक है, टू फोल्ड्स अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे ओपन होंगे, उन पे पोस्टिंग होगी, उनका ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, उनमें एंट्री वगैरह होगी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके या नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीप्ट ऑफ रेंट पेड बाई द टीनेंट्स इन्वॉल्व एंट्रीज इन द बुक्स एंड बुक्स अकाउंट्स एंड, मतलब किराएदार द्वारा भुगतान किए गए किराए की रसीद में बैंक खाते की प्रविष्टियाँ शामिल हैं। अब किराएदार हमें पैसा देगा तो मतलब हमारे पास कैश आएगा,
जाहिर सी बात है हमारा एसेट्स बढ़ेगा, ठीक है, हमारी इनकम होगी। एंड देन किराए की रसीद में बैंक खाते की प्रविष्टियाँ शामिल है, मतलब इन्वॉल्व इंट्रीज इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में इंट्रीज शामिल है। तो बैंक अकाउंट में हम क्या, जितना पैसा हमें मिलेगा वो क्रेडिट साइड में शो होता है, जितना हम निकालते हैं वो डेबिट साइड में शो होता है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किराया भुगतान खाता, कार्यालय व्यय खाता, बीमा खाता, किराया प्राप्तकर्ता खाता, तो कौन सा अकाउंट आपका ओपन होगा, ठीक है, बैंक कौन सा अकाउंट, ठीक है, टीनेंट इन्वॉल्व इंट्रीज इन द बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आपका रेंट रिसीव अकाउंट यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि आपको रेंट मिल रहा है, आप रेंट पे नहीं कर रहे हैं, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, रेंट रिसीव अकाउंट, मतलब वो आपको बैंक के थ्रू आपका किराएदार पैसा दे रहा है, बैंक के थ्रू आपको पैसा दे रहा है, ठीक है, बैंक में आपका गया, आप ही के अकाउंट में उसने पैसा जमा कर दिया। तो आप अपने कैश बुक में आप एंट्री क्या करेंगे, अपना मतलब जो भी लेजर वगैरह आप जनरल जो भी अपना बुक रखते हैं, मतलब डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन नोट करते हैं, तो उसमें कौन सी एंट्री आप करेंगे। जाहिर सी बात है आपको रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, रेंट आपको रिसीव हो रहा है तो आपका इनकम है, और रेंट आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो आपका ट्रांजेक्शन क्या होगा, मतलब जनरल एंट्री आप क्या करेंगे, अगर आप अपनी टेम्परेरी बुक में लिखेंगे, खाते को तैयार करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो आपको पहले तो आपको पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और कैसे थ्रू आ रहा है, टू रेंट रिसीव अकाउंट, टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी आपको इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो किधर नोट होगा, वो आपका क्रेडिट साइड में, और जितने एक्सपेंसेस होंगे वो आपके डेबिट साइड में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे एंड कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, डबल अकाउंटिंग सिस्टम किसके द्वारा प्रतिबंधित की जाती है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम इज बैन बाई हूम, किसके द्वारा, ये आप लोग बताइए आंसर करके। ये आप सभी लोगों को दिया जा रहा है ये क्वेश्चन, जरूर इसका आंसर आप सभी लोग दीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हाँ यस, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, मीन यहाँ पे व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आपके डबल अकाउंटिंग सिस्टम का क्या होता है। तो यहाँ पे लेन देन करना ही आपका होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, व्यापार बढ़ाना, कोई परफेक्ट आंसर नहीं बैठ रहा है। वित्तीय स्थिति का सुझाव, फाइनेंशियल सिचुएशन एडवाइस, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, नहीं। ट्रांजैक्शन के लिए हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कहीं भी अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है डेबिट क्रेडिट आपका होगा। जैसे अगर आपको कोई पैसा देगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, आपके पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। जैसे रमेश दे रहा है तो रमेश को क्रेडिट, अब सोहन को आप पैसा दे रहे हैं तो सोहन पा रहा है पर्सनल अकाउंट, तो इसको आप डेबिट कर देंगे। कैसे आप दे रहे हैं, कैश के थ्रू दे रहे हैं या बैंक के थ्रू दे रहे हैं, अगर कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब दो अकाउंट यहाँ पे होंगे। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम का हम ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अकाउंट में क्या जनरल दर्ज किया जाता है, व्हाट इज जनरल इज रिकॉर्डेड इन अ प्राइमरी अकाउंट, प्राइमरी अकाउंट में आप क्या दर्ज करते हैं। मतलब जैसे आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी माल आपकी दुकान से सेल हो रहा है, कोई भी खरीद कर जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, व्यवसाय की जितनी भी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल एक्टिविटी रहेगी उसको आप कहाँ पे नोट करेंगे, आप अपने प्राइमरी अकाउंट में नोट करेंगे। प्राइमरी अकाउंट मतलब आपका जनरल हो गया, जनरल ही तो आपकी जनरल एंट्री, आपकी प्राइमरी अकाउंट वही होता है, सबसे पहले आप वहीं पर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी अकाउंट, मीन हम कह सकते हैं जनरल लेजर भी उसे हम कह सकते हैं, साधारण जनरल भी उसे कहते हैं। इसमें आप अपने जितने भी लेन देन है, जितने भी आपकी इनकम है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, या जितना आपने लोन लिया हुआ है, जितना आपने लोन का अमाउंट चुकाया है, ये सभी आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल एक्टिविटी को नोट करते हैं। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। डबल अकाउंटिंग सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, व्हाट इज डन बाय डबल अकाउंटिंग सिस्टम, तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू आपका क्या किया जाता है, अभी मैंने बताया ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होता है, दूसरा व्यवसाय का संचयन, मतलब बिजनेस इज स्टॉक पाइल, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। कर्मचारियों को बढ़ावा दिया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। सामाजिक सेवाओं के लिए धन जुटाना, भाई ये तो अलग ही है, ये है ही नहीं, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। वित्तीय स्थिति का स्वाधीन अध्ययन, मतलब फाइनेंशियल पोजिशन इन मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंटली, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस शीट से आपका पूरी तरीके से डिसाइड होता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या है। बिजनेस स्टॉक पॉइंट मतलब व्यवसाय को चलाया जाता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू, डेबिट क्रेडिट का रूल फॉलो करके। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ अच्छे से आप डिटेल में पूरा पढ़ लीजिए, पूरा मेंशन किया गया है।
डबल अकाउंटिंग सिस्टम का उपयोग किस श्रेणी के व्यवसाय में सबसे अधिक होता है, ठीक है, किस श्रेणी के व्यवसाय में? तो ये हर जगह होता है आपका, चाहे नया बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, हर जगह डबल अकाउंटिंग सिस्टम चल गया है। जैसे आप कहीं पर भी आप जाइए, ठीक है, जैसे बैंक आप जा रहे हैं, पासबुक आप प्रिंट करा रहे हैं, जितना पैसा आप निकाले रहेंगे डेबिट साइड दिखाएगा, जितना जमा कर रहे हैं क्रेडिट साइड दिखाएगा, ठीक है, तो ये सब आपका होता है। तो यहाँ पे डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दोहरा खाता प्रणाली किसके लिए अनिवार्य किया गया? फ्रॉम होम वॉज द फर्स्ट डबल अकाउंटिंग सिस्टम मेड मैंडेटरी, किसके लिए मैंडेटरी कर दिया गया? रेलवे कंपनीज के लिए, गैस कंपनीज के लिए, पावर कंपनीज के लिए? तो ये देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉमर्स का जो हिस्ट्री होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। डबल अकाउंटिंग, और डबल अकाउंटिंग सिस्टम पहली बार कब यूज़ किया गया? 1470 में, लगभग इससे पहले मैंने क्लास में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया, 1470 लुकास पेसियोली द्वारा स्टार्ट किया गया था डबल एंट्री सिस्टम। और पहली बार जब स्टार्ट किया गया किसके लिए कंपलसरी कर दिया गया? तो ये रेलवे कंपनियों के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि भाई आप लोग सभी रेलवे कंपनियों को डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ओके। या दोहरा खाता प्रणाली आरंभ हुआ कहाँ पे आरंभ हुआ, मतलब डबल एंट्री सिस्टम स्टार्टेड कहाँ पे आरंभ हुआ? तो मैंने अभी आपको बताया इटली में, इटली में आपका डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, लुकास पेसियोली ने किया 1470 में, ओके। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी, डिटेल में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। हमारी जो टीम है वो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन कराएंगी, ठीक है। जितनी भी आपको क्लासेस कराए जाएंगे सब डिटेल में कवर कराया जाएगा, कॉमर्स का जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी स्टूडेंट एमपी टैक्सेशन के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार स्टेट के हैं, ठीक है, सभी वैकेंसी के लिए जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आपके एग्ज़ाम निकल पाएंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट को कॉमर्स में बेहतरीन तैयारी करनी है, आप जल्दी से जल्दी कोर्स से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कोर्स आपका 2 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है सभी क्लासेस कोर्स के। तो आज की क्लास में इतना ही, कोई भी अगर आपको डाउट है कोर्स को लेकर, कोई जानकारी चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ओके। या